नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्जी शोमोस ब्लॉग। सो आज एक कुछ अनोखा होने वाला है मेरे ब्लॉग में, बहुत ही अनोखा। आप लोग शायद ही कहीं देखे होंगे। सो ज़्यादा मैं देरी नहीं करूँगी इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हुए। आज है, मैं दिखा देती हूँ, अभी टाइम हुआ है आपका 11:38 और 14 अक्टूबर एंड हैप्पी नवमी सबको। सो अभी स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, ठीक है। मैंने जो अभी जो मैंने स्कूटी बाइक जो भी बोल रही, मैंने जो दिखाया है उसका 1% मेरे को तो साउंड नहीं मिला। क्या आपको मिला है? मुझे पता है आप लोगों को भी नहीं मिला होगा। सो ये बहुत यूनिक है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये मैं किस पर्पस में दिखा रही हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। सो अभी थोड़ा सा जो मैंने दिखाया था उसका थोड़ा सा एक लुक मैं आप लोगों को मैं दे रही हूँ, ठीक है। सो हेयर वी गो। सो ये वाला देखिए दोस्तों, कितना फिनिश, मतलब ये वाला कलर, मैट कलर बोलते हैं इसको, इसका कलर देखिए या फिर इसका लुक देखिए, क्या देखोगे दोस्तों, क्या देखोगे। सो ये है हीरो इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसका मैं नाम दिखा देती हूँ, पहले तो एक लुक दे देती हूँ, ठीक है, फिर इसका नाम ईच एंड एवरीथिंग मैं बोल रही हूँ। ये आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा मॉडल है, बहुत सुंदर। और इसका जो कलर है दोस्तों, आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हो इतना सुंदर सा कलर है। मैं यहाँ से भी दिखाऊंगी, और चलाने में बहुत सुंदर है। 1% भी इसका साउंड नहीं मिलता है दोस्तों, 1% भी साउंड नहीं मिलता है, ठीक है। इसका नाम है हीरो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और फुटोन इसका नाम है। इसका सीट देखिए दोस्तों, सीट भी देखिए ऐसे करके, बहुत सुंदर है सीट भी, आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसका तो कलर पूछो ही मतलब बार बार इसके कलर के ऊपर मेरा मतलब आंखें जा रहा है। सो ये मैं थोड़ा सा इधर से दिखा रही हूँ, इस साइड से। और मेन स्पेस की बात अगर आए, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाएगा। अगर आप लेग भी रखते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे रख सकते हो। आप लोग देखो बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे टच नहीं करेगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पे लेग आप रख सकते हो। कुछ भी सामान लाना हो तो बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस दिया है ना दोस्तों, ये देखिए, ये स्पेस बहुत बढ़िया दिया है ये स्पेस। और यहाँ पे कुछ रख सकते हो आप लोग, और इसके अंदर भी बहुत कुछ रख सकते हो। सो ये हो गया पूरा ओवरलुक। अभी हम इस मॉडल के जो ओनर है उनसे बात करेंगे कि इस मॉडल को क्यों खरीदा, किस लिए, किस पर्पस से खरीदा। सो ओनर से मिलते हैं, ठीक है, स्टार्ट। सो अभी मैंने जो अभी बोला था कि ओनर से हम लोग बात करेंगे, ये हीरो इलेक्ट्रॉनिक क्यों खरीदा इन्होंने, फुटोन इसका मॉडल नेम है, तो क्यों खरीदा, अभी वो पर्पस हम लोग जानेंगे, ओनर के पास अभी जाएंगे। सो ये है ओनर। थैंक यू सोमू, आपने ये मौका दिया मुझे आपके चैनल में मेरा व्यू रखने के लिए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों ख़रीदा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि सबके साथ सबका विकास नहीं हो पाया, ठीक है, उसीलिए मुझे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदना पड़ा। मेरे पास भी पेट्रोल बाइक था, और उस बाइक को मुझे बेच के ये स्कूटर ख़रीदना पड़ा। और उसका मेन रीज़न है कि फ्यूल का जो प्राइस है वो दिन ब दिन इतना हाई हो रहा है, इतना बढ़ रहा है फ्यूल का प्राइस, तो उसके वजह से मुझे लगा कि पेट्रोल की चीज़ें छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये दाम तो कभी घटेगी नहीं और दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। तो उसी लिए मैंने सोचा कि मैं अपना बाइक बेच देता हूँ और इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदता हूँ। तो उसी लिए मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदा। और उसके बाद मेरे पास एक फोर व्हीलर भी है जो पेट्रोल से चलती है, और मैंने ये भी सोच रखा है कि उस गाड़ी को भी मुझे बेचना है, क्योंकि फ्यूल का प्राइस जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से उसको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, ठीक है।
तो इसमें क्या है, मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने काम किया है, लेकिन किसके लिए काम किया है? सरकार ने काम किया है गरीबों के लिए और अमीरों के लिए। व्हाट अबाउट मिडिल क्लास? व्हाट अबाउट मिडिल? अच्छा पॉइंट आपने बताया। व्हाट अबाउट मिडिल क्लास? इसी मिडिल क्लास ने आपको जिताया, इसी मिडिल क्लास वोट देता है। गरीब वोट नहीं देता और अमीर भी वोट नहीं देता, गरीब और अमीर अपने फायदा देख के वोट देता है, लेकिन मिडिल क्लास एक अच्छा पार्टी और एक अच्छा इंसान देख के वोट देता है। तो मिडिल क्लास ने आपको जिताया है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए आपने क्या किया? गरीबों के लिए आपने शौचालय दिया है, गरीबों को आपने फ्री सिलेंडर दिया है, फ्री वैक्सीन दिया है, सबको दिया है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसका वसूली आप इस तरह करेंगे वो तो गलत है। आज फ्यूल का दाम दिन ब दिन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर बढ़ता चला जाए तो हर चीज़ पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम लोग सुबह से लेकर रात तक जितना चीज़ें यूज़ करते हैं, सब चीज़ में प्राइस हाइक हो गया है इस फ्यूल के वजह से, तो उसका प्राइस आपको घटाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको अगर ऐसा आपका प्लानिंग था कि आपको फ्री वैक्सीन देना है सबको, तो उसका वसूली आप तेल का दाम या दूसरे चीज़ों का दाम बढ़ा के करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये तो गलत है। तो आपको फ्री वैक्सीन देना ही नहीं था, आपको फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को देना था जिसके पास BPL कार्ड है, आप उनको फ्री वैक्सीन दीजिए, बाकी वैक्सीन चार्जेबल कीजिए। हर इंसान अपना पैसा देके एक वैक्सीन ले लेगा, वैक्सीन तो मैं एक दिन लूंगा, लेकिन मुझे दाल चावल तो रोज खरीदना पड़ेगा। एकदम सही। तो आप वैक्सीन सबको फ्री देना ही नहीं चाहिए था, आपको ग्लोबल लीडर बनना है, सबको फ्री वैक्सीन देना है, अच्छी बात है, लेकिन उसका वसूली तो आप ऐसे नहीं कर सकते। मिडिल क्लास को बर्बाद हो जा रहा है, मिडिल क्लास किसी का नौकरी नहीं है, किसी का रोजगार नहीं है, सब बिना खाए। अभी मिडिल क्लास में ऐसा हो रहा है कि वो कोरोना से नहीं, भूख के मारे मर जाएगा, क्योंकि हर सब्जी हर फल हर तरह की चीज सिर्फ फ्यूल के दाम की वजह से बढ़ रहा है, और जिसके लिए मिडिल क्लास बहुत इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो वही है मेन रीज़न। तो उसी लिए मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक यूज़ करना ही अच्छा है, अभी बेटर है, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका पोल्यूशन फ्री भी रहेगा, नॉइज़ फ्री भी रहेगा सोसाइटी, वो भी एक मेन रीज़न है। लेकिन मेरा मेन मुद्दा वही है कि फ्यूल चार्ज जिस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है, उस हिसाब से इंक्रीज़ अगर होता चला जाए तो हम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, वही है। थैंक यू। आपने बहुत सुंदर सा बात बोली है कि फ्यूल का चार्ज बढ़ने से हर चीज़ का दाम मतलब बढ़ता ही रहता है, इवन बस का जो भाड़ा है वो वो भी बढ़ ही रहा है, वो बढ़ता तो है लेकिन घटता नहीं है। अगर फ्यूल का दाम थोड़ा बहुत कम भी होता है, दस पैसा कम भी होता है तो बस का भाड़ा तो सेम ही रहता है, तो मिडिल क्लास एकदम मतलब डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो सो ये बहुत 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 एसेंशियल मुद्दा है दोस्तों। सो प्लीज़ इसके ऊपर अगर ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि शेयर हो। यस, ये और ये जो बातें हैं, ये हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ये बातें जाए ऊपर तक, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा हम लोग कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग कुछ अलग सा ट्रैक मत लीजिएगा इस वीडियो को, मैं यही बोलना चाहूँगी। ये हम लोगों का दिल की बातें हैं, कैसे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और जॉब का तो आप लोग मतलब जॉब तो बीच बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक आफ्टर पेंडेमिक क्या हो रहा है कि अभी लोग मतलब नौकरी से निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पकड़ लीजिए 5 मैन पावर है, अभी बोलेगा कि दो को निकाल दो और तीनों को वो 5 जन का काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि ये मुद्दा आप लोग भी उठाए, कि ये गूंज सरकार के कानों तक जाए और वो फ्यूल के चार्जेस को घटाए और महंगाई का जो मार है उससे मिडिल क्लास फैमिली बचे रहे। हम लोगों को बचाइए, और इसके लिए आप सबका कोऑपरेशन जरूरी है। विदाउट दैट ये पॉसिबल नहीं होगा। सो प्लीज हम लोग सब लोग ये आई नो जो मानवेंद्र चक्रवर्ती ने जो बातें की, ये हर एक इंसान लेकिन भूख हो गुजर तो रहा है, उस ट्रैक से गुजर तो रहा है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। सो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये जो मुद्दा है ऊपर तक जाए, यही मैं बोलना चाहूँगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे, अच्छा तो लगना ही है दोस्तों, हर
हर इंसान का ये बातें जो आज खुल के आई है, ठीक है। सो ये जो बातें बोल रहे, जॉब का बात, फ्यूल का बात, ईच एंड एवरीथिंग, बाजार, फिर बस का महंगाई, ये हर कोई फेस कर रहा है दोस्तों, हर कोई फेस कर रहा है। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो, बहुत जरूरी है, और ऊपर तक जाए और हम लोगों को बचाए और इस महंगाई से। एग्जैक्टली, ओके, थैंक यू। थैंक यू।